आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक राजस्थानी डेलिकेसी, लाल मांस। इस डिश को हम बनाते हैं योगर्ट से और राजस्थान की स्पेशल मथनिया चिली से। इस डिश में गार्लिक का भी अच्छे से इस्तेमाल होता है। सो लेट्स स्टार्ट। लाल मांस के लिए हमें चाहिए विद और विदाउट बोन। आई हैव टेकन, मैंने लिया है 1 किलो बोनलेस मटन। ये है मथनिया चिलीज ऑफ राजस्थान। अगर आपको नहीं मिले मथनिया चिलीज, आप कश्मीरी रेड चिलीज भी यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से ब्लांच करके मथनिया चिलीज का पेस्ट बना लें। अब हम मटन के मैरिनेशन में जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। इसमें गार्लिक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, 70% ऑफ गार्लिक एंड द रेस्ट इज ऑफ जिंजर। मटन और जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से मैरिनेट करके रखना। मिक्स इट प्रॉपरली, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देसी घी, स्लाइस ऑनियन, रॉक सॉल्ट, ग्रीन इलायची, काली मिरी, काली इलायची और लवंग। योगर्ट, कोरिएंडर पाउडर, देगी मिर्च पाउडर, मथनिया चिली पेस्ट एंड मस्टर्ड ऑयल। इन अ पैन ऐड देसी घी। एक पैन में घी डाल दीजिए। घी जब मेल्ट हो जाए, घी जब पिघल जाए उसमें आप खड़े मसाले डाल दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था, लवंग, ग्रीन इलायची और एक काली इलायची।
ये जब खड़े मसाले जब घी में अपना जो अरोमा जब अच्छे से जब वो छोड़े, तब आपको खुद पता चलेगा क्या खड़े मसाले ने अपना फ्लेवर छोड़ा है। अब इसमें हम स्लाइस ऑनियन जो हमने करके रखा था वो डाल देंगे, अच्छे से उसको सौते कर लेंगे। हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, खाली अच्छे से सौते कर लेंगे। सौते द ऑनियन नाइसली बट नॉट मेक इट ब्राउन। नाउ एड द मैरिनेटेड मटन। अब इसमें जो हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगा के मैरिनेट करके जो मटन फ्रिज में रखा था वो अब इसमें हम डाल देंगे। अब धीरे धीरे हम मटन को अच्छे से सौते करेंगे। नाउ रेडी, लेफ्ट द लिटिल बिट ऑफ वाटर। नाउ एड द मथनिया चिली पेस्ट। अब हम इसमें जो हमने मथनिया चिली पेस्ट का चिली पेस्ट बना के रखा था वो हम अब इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से उसको हम मिक्स कर लेंगे। ये स्टेज पे मैं तो मटन को इसी में स्लो आंच पे अच्छे से पकाऊंगा। अगर किसी को अगर नहीं हुआ तो आप उसे कुकर पे भी पका सकते हो, क्योंकि मटन है, कभी कभी मटन का क्वालिटी में फ़र्क रहता है। तो यू कैन कुक इन ये स्टेज पे, मिक्स होने के बाद आप इसको इधर से निकाल के कुकर में भी यू कैन कुकर में भी ये स्टेज पे पका सकते।
अब मैं मटन को ढक्कन लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगा। अब मटन का डननेस चेक करेंगे। मथनिया चिलीज का आप खुद ही आप चेक कर सकते हैं, एकदम लाल मथनिया, राजस्थानी मथनिया, राजस्थानी मथनिया मिर्च, द क्वालिटी इटसेल्फ इट शोज। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। हमें ये जो योगर्ट था उसमें हम थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर और मस्टर्ड ऑयल, ये तीनों को मिक्स करके हमें साइड में रखना है। अब वही जो मिक्सचर है, अब हम इस लाल मांस में डाल देंगे। जो योगर्ट में कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, देगी मिर्च और मस्टर्ड ऑयल, इसको अच्छे से दही को, वो तीनों सामग्री को अच्छे से फेंट के फिर ही डालना। फेंट के अगर तुम दही नहीं डालोगे, दही फट जाएगा, लम्स आ जाएंगे। और करके धीमी आंच पे मीडियम आंच तक छोड़ देना। लाल मांस अब पूरी तरह से पक के रेडी है। लाल मांस राजस्थानी डिश, इट इज रेडी फॉर यू। बी विद शेफ तंजिल एंड वेट फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन। Please don't forget to like and subscribe my channel, as I am waiting for in every recipe, I am waiting for your wonderful comments. Thanks once again.
मटन पेपर फ्राई, इट्स अ माउथ वाटरिंग डिश, प्लीज डू ट्राई। चलिए तो इसके लिए चाहिए कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, ग्रीन चिली चॉप, जिंजर जूलियंस, करी लीव्स, सम रेड चिली, फ्रेश रेड चिली स्लिट, 1 किलो मटन। अब हम इसमें मटन को जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली चॉप, कोरिएंडर चॉप, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रॉक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्रश ब्लैक पेपर पाउडर, ऑयल एज रिक्वायर्ड, इन सब को अच्छे से मिक्स करके अच्छा मैरिनेशन उसका हो जाना चाहिए। एंड कीप दिस इन फ्रिज, फ्रिज में रख दीजिए आधे घंटे के। नाउ व्हेन द मैरिनेशन इज डन, मैरिनेट हो जाए तो उसको कुकर में 6 to 7 विसल्स के लिए पका लें, और जब तक पकाएं जब तक के मटन अच्छे से गल नहीं जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। पैन में ऑयल ले लीजिए, स्लाइस ऑनियन उसमें डाल के उसको हल्के हाथ से ब्राउन कर लीजिए। हमको बरिस्ता नहीं करना है, बस ट्रांसलेशन। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, दिस इज अ टिपिकल विलेज टाइप ऑफ कुकिंग। ये पैन को उरली बोलते हैं, उरली। नाउ यू कैन ऐड ग्रीन चिली चॉप, ऐड द करी लीव्स, करी पत्ता डाल देना, ऐड शिमला मिर्च, ग्रीन बेल पेपर्स, ऐड कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ऐड हल्दी पाउडर, ऐड क्रश ब्लैक पेपर पाउडर, क्रश किया हुआ काली मिर्ची का पाउडर डाल दीजिए। अब जो हमने मटन बॉईल कुकर में किया था वो अब डाल देंगे और अच्छे से इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस डिश की मेन इंग्रेडिएंट है क्रश पेपर, इसलिए इसका नाम है मटन पेपर फ्राई। रेडी टू सर्व
यू कैन सर्व विद हॉट मलबार पराठास विद योर मटन पेपर फ्राई. नाउ लेट्स स्टार्ट द ब्यूटिफुल प्लेटिंग विद शेफ तंजिल. Please give us a comment. Thank you for watching. Please do subscribe my channel. तो इसके लिए चाहिए हमें पाया 1 किलो, मटन पाया, सिनेमन स्टिक, ब्लैक कार्डमम, रॉक सॉल्ट, सम क्लाव्स, हल्दी और एक बेल, तेज पत्ता. पाया का सालन बनाने के लिए पाया को हमें आटे में आटे से आटा लगाकर उसको अच्छे से 3 बार धोना है. और इसके साथ हमें चाहिए रॉ ऑनियन का पेस्ट, ऑयल, बरिस्ता, योगर्ट और थोड़ा सा मैदा. लेकिन इस मैदे में थोड़ा पानी मिलाकर हम इसकी स्लरी बनाएंगे, थोड़ा लिक्विड कंसिस्टेंसी में. वो हम उसमें पाया बनाते समय उसके अंदर ऐड करेंगे. चॉप कटी हुई कोरिएंडर लीव, जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, फेनल पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और ग्रीन चिली. अब हम पाया बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे. एक प्रेशर कुकर में पाया को डाल देंगे. उसमें करीबन 1 लीटर पानी डालेंगे. उसके बाद उसमें 2 ब्लैक कार्डमम, काली इलायची और रॉक सॉल्ट, थोड़ी हल्दी, सिनेमन स्टिक, तेज पत्ता और थोड़ा क्लीव्स. इन सबको अच्छे से मिक्स करके प्रेशर कुकर पे 5 से 6 सीटी देके अच्छे से पका लेना. पाया अभी रेडी है, जस्ट चेक कर लेते हैं. पूरा पाया ने गोश्त छोड़ दिया है और एकदम अच्छे से हो गया है. नाउ लेट्स इस पाया और इसका जो स्टॉक है दोनों अलग अलग रखेंगे. स्टॉक अपने को काम आएगा ग्रेवी के लिए और स्टॉक को स्ट्रेन करके रखना है ताकि उसके अंदर उसकी गंदगी न जाए. टेक अ पैन, ऐड ऑयल. एक पैन में तेल डाल देना, उसको अच्छे से गर्म करने देना. उसके बाद उसमें रॉ ऑनियन पेस्ट जो हमने बनाया है वो डालना है.
रॉ ऑनियन पेस्ट डाल देना इसमें और इसको अच्छे से खूब भूनना। हल्का जब ब्राउन होने आए तो उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना। अभी हल्का गुलाबी होने पर हम इसमें जिंजर गार्लिक के पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर, फेनल पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हल्की थोड़ी सी ग्रीन चिली चॉप। सब मसाले को अच्छे से भून लीजिए। जब तक मसाले अच्छे से पक नहीं जाए तब तक अच्छे से उसको भून लीजिए। बरिस्ता डाल दीजिए। बरिस्ता जो हमने कोर्सली पीस के रखा है, मतलब बरिस्ता को मिक्सर में थोड़ा कोर्स पीसना है और अच्छे से सौते कर लीजिए सब चीज। हल्का सा दही डाल दीजिए। अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें पाये डालिए और एक 5 मिनट और उसको अच्छे से भून लीजिए। ग्रेवी के लिए हम लोग को थोड़ा सा वो उसका स्टॉक लगेगा जो हमने स्ट्रेन करके रखी है, उसको अच्छे से 5 मिनट तक भून लीजिए। 5 मिनट अब इसमें पाया का स्टॉक डाल दीजिए। पाये मसाले में भुन चुके हैं, अब इसमें पाया का स्टॉक डाल दीजिए और अगर कुछ लगा तो एक्स्ट्रा पानी और डाल दीजिए। फ्रेश कटी हुई धनिया डाल के धीमे आंच पे 15 मिनट पका दीजिए। कवर करके 15 मिनट पे पका लीजिए। बने रहिए शेफ तंजिल के साथ ऑल अबाउट कुकिंग। पाया मेरे हिसाब से, मेरी कंसिस्टेंसी के हिसाब से एकदम कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अगर तुमको लगे, मैंने तो स्लरी ऐड नहीं की है, अगर तुमको लगे कि तुम्हारी अगर पाया की कंसिस्टेंसी पतली है तो तुम स्लरी बना के डाल देना। मैं तो नहीं डाल रहा हूँ, मैंने खाली मेरी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट। अब इसमें ऑप्शनल में तुम केवड़ा वाटर डाल देना, ये ऑप्शनल है। नाउ इट्स रेडी टू गो फॉर पाया करी। बने रहिए शेफ तंजिल के साथ ऑल अबाउट कुकिंग AAC।